एक एक जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, एक संसार का सुख है, एक ये भगवदीय सुख है। संसार के सुख में एक और दोष है, एक तो मैंने कहा वो दुख देकर जाता है, उसमें एक और दोष है कि वो स्थिर नहीं रहता। आप वर्ष भर प्रयास करते रहे एक वस्तु पाने का, पाएंगे पाएंगे पाएंगे, और जब वस्तु हाथ आ गई तो बस हाथ आते ही उसका सुख समाप्त होना आरंभ हुआ। और भगवदीय सुख क्या है, ये आपको आज मिलेगा यदि आप थोड़े सावधान होकर बैठे, यदि आप थोड़े सजग होकर बैठे, आपके मन का बर्तन सीधा रहा तो। हाँ, बर्तन उल्टा रखा हो तो फिर भाई मूसलाधार मेघ बरस जाए, बर्तन सूखा ही रहता है। बर्तन सीधा यदि रखा है आपका, थोड़े सजग सावधान यदि होकर आप बैठे, थोड़े विनम्र होकर यदि आप बैठे हैं, थोड़े कृतज्ञ होकर यदि आप बैठे हैं, तो मैं बड़े भारी भरोसे से ये बात कहता हूं कि आप जैसे आएंगे आप वैसे जाएंगे नहीं। सत्संग आपको कुछ देकर भेजता है, आप यूं के यूं नहीं चले जाएंगे। इससे कोई छींटा पड़ेगा आप पर, उसका परिणाम कालांतर में भी आ सकता है, त्वरित परिणाम भी हो सकता है, पर आएगा अवश्य, आएगा अवश्य। थोड़े से यदि सजग होकर आप आ गए तो सत्संग कृपा करता है। तो मैं कह रहा था कि एक तो उस सुख में एक और दुख ये छिपा है कि वो आता है और बस आते ही जाने लगता है। मैं कई बार देखता हूं कि घर में ब्याह होता है, 6-8 महीने से तैयारी चल रही होती है, ब्याह है ब्याह है, वो ब्याह का दिन तो झंझट में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। संसार के सब सुख ऐसे ही हैं बाप, इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, हैं बिल्कुल है, लेकिन चले जाने वाला है, तकलीफ देने वाला है, भय देने वाला है, चिंता देने वाला है। मेरी बात मानो तो प्रयोग करके देख लेना, एक दिन अपनी तिजोरी में 20-25 लाख रुपए धर के फिर सोना, फिर सोने की कोशिश करना, जरा सा खुटका होगा यहां तक दिल धड़क जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, लगाए क्या लगाए, संसार साथ लगाए, इसलिए सुख चला गया। इसी को विवेक कह रहा था, हमें सत्संग यही विचार देता है, सत्संग यही विवेक देता है। भगवान की माया क्या है, वो रस्सी में सांप दिखाती है और सांप में रस्सी, जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सो ना ही, यही भगवान की माया, जो है सो दीसत नहीं, जो आद सच जुगाद सच है भी सच और नानक होसी भी सच, वो दिखता नहीं और जो दीसत सोना ही वो है नहीं। रोज रोज मिटते हुए देख रहे हो आप संसार को, कोई था जो कल था आज नहीं है, कल सारे प्रदेश पर जिसकी हुकूमत चलती थी आज बेचारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए, हो जाता है कि नहीं। कल शासन था आज कुछ भी नहीं, आज मुंह छुपाते घूम रहे हैं। भाई मेरे से पूछो तो अगर कुछ कोई यहां इस संसार में भूतपूर्व नहीं होता ना, तो भगवान का भक्त कभी भूतपूर्व भक्त नहीं होता, कभी नहीं होता। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई भक्त भूतपूर्व भक्त हो, यहां तो प्रतिक्षण वर्धमानम, ये सुख ये आनंद तो पल 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 बढ़ता है। भक्त की भक्ति, उसकी उसकी आंतरिक शांति, उसकी समृद्धि, उसका बल, उसका ओज तेज, उसके जीवन की पवित्रता, उसकी निश्चिंतता, उसकी मस्ती, वो भक्ति की कृपा से पल पल बढ़ती है। एक यही यही वो संपत्ति है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा संसार में संपत्ति नहीं है, है होगी, मैंने भी देखी है, और शायद मैं इसीलिए बहुत अच्छे से आपको भेद करके बता सकता हूं। मैंने वो सुख भी देखा है और भक्त देखकर ही कहता है, तभी कबीर भी कह रहा है सभी रसायन हम किया, तभी वो बेचारा कहता है जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार। ये कबीर की पंक्ति बताती है कि उसने दोनों सुख देखे हैं, उसने अमीरी का भी सुख देखा है, उसने फकीरी का भी आनंद लिया है, ले रहा है। और यहां पर मैं और स्पष्ट भेद कर दूं कि अमीरी में सुख है और फकीरी में आनंद है, उसमें आनंद है। हमारा यार है हमें, हमन को इंत
जारी क्या। मैं तो कई बार बड़े विनोद से कह देता हूँ व्यासपीठ से, मैंने कब सुना था, दो चार साल हो गए शायद, एक 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 फिल्म का एक डायलॉग है, ये मत पूछना मैंने देखी कि नहीं देखी, अपने काम की बात सुनना। वो फिल्म का डायलॉग है कि उसमें जो फिल्म का विलियन होता है वो हमेशा अपने साथ 10-20 लोग रखता है, और एक दिन हीरो उसको कहता है कि बोले किसी दिन अकेला निकल के देख, तुझे मर्द होने का एहसास होगा। तो वो डायलॉग बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैं कई बार उसका विचार करता हूं, ऐसे ही व्यासपीठ से कई बार कह देता हूं, कभी उसका भरोसा करके देखिए, आपको मनुष्य होने का एहसास होगा। आप मनुष्य हैं, जिसको शंकराचार्य कहते हैं चिदानंद रूप है, शिवो हम शिवो हम, कभी उससे संबंध बनाकर देखिए, कभी जोड़ कर देखिए, आपको जीवन जीने का एहसास होगा, उत्सव बनेगा जीवन। जहां से आज की चर्चा आरंभ की थी मैंने, जहां ही लहे कछु लैन की चाह नहीं में होए, जीवन उत्सव बन जाएगा आपका, प्रसन्नता बांटते फिरेंगे आप। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले, और मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। इसलिए मैंने कहा मैं बिल्कुल कसौटी की बात कहूंगा, एक भी शब्द इधर उधर नहीं होगा आपका मन बहलाने के लिए, कहां कितना सुख है, बस इसकी खबर आपको देता चलूंगा। चुनना आप, निर्णय आप करना, यह आपका अधिकार है। मैं कौन आपको बताने वाला और मैं कौन आपको समझाने वाला। हाँ, पर भगवत कृपा से मैंने इस छोटे से जीवन में वो दोनों प्रकार के सुख देखे हैं, और इसलिए कबीर की हां में हां मिलाता हूं, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही मन लागो मेरो यार फकीर। तो सबसे पहला भाव कौन सा, दास्य। दास्य अर्थात ओ मैं झुक झुक हुकम बजावा। एक सूफी फकीर कहता है, बोले ईमानदारी से तहे दिल से, ईमानदारी से तहे दिल से मालिक को मालिक मान लेना, बोले बस यहीं से बंदगी शुरू हो जाती है, मालिक को मालिक मान लेना। तू ठाकुर मैं नौकर तेरा, 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 मैं झुक झुक हुकम बजावा, गुणगावा नित तेरे, गुणगावा नित तेरे। और बस इस भाव का जीवन में, इस भाव का जीवन में पदार्पण होते, इस भाव के जीवन में कृपा होते, अनुग्रह होते, सबसे पहली चीज जो आती है, मैंने कहा निर्भयता, निर्द्वंदता, निश्चिंतता, निर्भारता, निष्कलुषता, ये 5 गुण भगवान के सेवक में होते हैं। सबसे पहला गुण निर्भयता। कुंभनदास जी श्रीनाथ जी के परम सखा, गाते बड़ा सुंदर थे, अकबर ने उनके गाने की बड़ी तारीफ सुनी कि कोई है फकीर है और बड़ा सुंदर गाता है, तो अकबर ने कहा भाई हम भी गाना सुनेंगे उसका, उसको लाओ। अब यदि संस्कारी होता तो संत के पास चल कर जाता, संत से कुछ लेना हो तो यही युक्ति है, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ये युक्ति है संत से कुछ लेना हो तो। इसी को बर्तन सीधा रखना कहते हैं, जो अभी मैं आपसे कह रहा था कि सत्संग में जाइए तो बर्तन सीधा रख के जाइए, तज ममता अभिमान। और ये जो मेरे यहां पर व्यवस्था है कि यहां आपका नाम पता नहीं पूछा जाता, या नहीं पूछा जाता कि संसार में आपका पद क्या है, आपकी प्रतिष्ठा क्या है, ये व्यवस्था इसीलिए है कि आपके उल्टे बर्तन को सीधा कर दिया जाए, बस इसीलिए।
मुझे आपकी पद प्रतिष्ठा से कोई झंझट नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, पर सत्संग का यही अनुशासन हो कि आप अपना बर्तन सीधा रखकर बैठे, यहां कोई बरसेगा। बड़ी सुंदर दो पंक्तियां एक संत कहते हैं, बूंद बूंद में परम प्रेम रस बरसे अंबर से, तू क्यों छिपा ओट में पगले, तू क्यों छिपा ओट में पगले, भीजन के डर से रे मनवा राम रस बरसे रे मनवा। तो केवल आपका पात्र सीधा करने की व्यवस्था है ये। क्या कह रहा था मैं इससे पहले, कुंभन दास। अब अगर अकबर संस्कारी होता तो कुंभन दास जी के पास जाता, कुंभन दास जी को बुलाया, कुंभन दास जी ने जाने से मना कर दिया। उसे वो मिला है जिसे लेकर कुछ पाना शेष नहीं रहा, तो बादशाह से क्या काम। पर गांव के लोगों ने समझाया, बोले अगर आप नहीं जाएंगे और बादशाह ने क्रुद्ध होकर गांव पर ही चढ़ाई कर दी, भेज देगा अपने सैनिक, वो सारा गांव तबाह कर देंगे। एक आपके चले जाने से सबकी रक्षा होती है, आपको चले जाना चाहिए। और दूसरी बात, बादशाह ने बड़े आदर और सम्मान के साथ बुलाया था, बादशाह ने आदेश तो दिया था पर बड़े सम्मान से बुलाने की व्यवस्था भी की थी। चल दिए कुंभन दास। कुंभन दास जी थे गिरिराज जी में और अकबर था उस समय आगरा के पास फतेहपुर सीकरी। अब अकबर ने तो पूरा लाभ लश्कर पालकी सब भेजा कि कुंभन दास जी को आदर से बैठा कर ले आओ, पर कुंभन दास जी ने उसमें से कोई भी सम्मान और कोई भी व्यवस्था स्वीकार नहीं की। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, संसार का और संसार के विचार का स्पर्श करने से भक्ति पतिव्रता नहीं रहती। किसी भी अन्य का आश्रय हो जीवन में तो भक्ति व्यभिचारिणी हो जाती है, भावना व्यभिचारिणी हो जाती है। कुंभन दास जी ने कोई सम्मान कोई व्यवस्था स्वीकार नहीं की। गांव के लोगों ने कहा कि आप चले जाइए, सो बस चल दिए। अब कहां गोवर्धन गिरिराज और कहां फतेहपुर सीकरी। कई दिन में बेचारे चलते चलते पैदल चलते चलते पहुंचे। सैनिकों ने बड़ी मनुहार की कि महाराज पालकी में बैठ जाइए, घोड़े पर बैठ जाइए, पर वो पैदल ही चलते रहे। और अकबर के दरबार में बड़े दिन के बाद पहुंचे, देखा शाही दरबार सजा था। कुंभन दास जी ने दृष्टि भर के उस दरबार को देखा भी नहीं। और कैसे देखते, जिनकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती। भजन अगर कृपा करे, संत कहते हैं राम जाप दे आनंद महान, पर मिले उसे जिसे दे भगवान। तुद पावे त नाम जपावे सुख तेरा दित्ता लइए। अगर किसी को भजन की कृपा से भजन का सुख मिले वो अनुभव करता है। फूलों की ताजगी में तारों की रोशनी, फूलों की ताजगी में तारों की रोशनी में, जो बात तुम में देखी देखी नहीं किसी, किसे नजर मिला तुम्हें देखने। इसीलिए आपसे अभी कह रहा था, एक बार भरोसा करिए, जीवन जीवन लगने लगेगा। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक कह रहा हूं कि अभी आपने उस तृप्ति भरे जीवन का सुख लिया नहीं कि वो तृप्त जीवन क्या होता है। जब रोम रोम बांटता है आपका, जब रोम रोम बांटता है आपका,
जितनी बार आप संत की वाणी पढ़िए उतनी बार आपके मन में सुख का संचार होता है, उतनी बार आपके मन में किसी पवित्रता का संचार होता है, मन को तरोवर किसी को छाया मिलती है। कभी भी किसी संत की वाणी के पास चले जाइए, क्या है कि उसका व्यक्तित्व जो मिल गया अस्तित्व में, उसका शब्द, एक एक शब्द उसका रोम रोम सुख बांट रहा है और बांटता रहेगा। जीवन जीवन होता है। मैं फिर अपनी पहली बात की तरफ आपका ध्यान ले जाऊं, यूं बूढ़े होकर मर जाने के लिए मनुष्य नहीं बनाया भगवान ने भाई, इसके लिए संसार नहीं बनाया, इसके लिए ये सुख दुख का खेल नहीं रचा उस रचने वाले ने। आपको यहां बुलाकर और इस दुख आलयम शाश्वतम में थोड़े दुख देकर मार देना, क्या ये भगवान की भगवत्ता हो सकती है? अब विचार करिए, आपको यहां पर बुलाया, फिर आपको इतने दुख दिए, आपकी भाषा में जो भी कुछ हो, हे भगवान तूने क्या किया, हे भगवान तूने क्या किया, आपको यहां बुलाया, इतने दुख दिए और फिर आपको आड़ा टेढ़ा बूढ़ा करके मार दिया, कि इसलिए भगवान ने संसार रचा होगा? नहीं रचा, इसलिए नहीं रचा, कम से कम इसलिए तो बिल्कुल नहीं रचा। अरे कोई कारण होगा। बड़ी सुंदर बात बाबा फरीद कहते हैं, मुठ फरीदा सुत्या वे जा दुनिया वे खण जा, मुठ फरीदा सुत्या वे जा दुनिया वे खण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया वे जा तू भी बख्शिया जा। सोया मत रे, चल, चल, गिरने से मत घबरा, भूलने से मत घबरा, भटकने से न डर, जा दुनिया वेखण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया जा तू भी बख्शिया जा। हाँ, पर महाराज कहते गुरु बिन घोर अंधार। गुरु नहीं मिला, सिद्धांत नहीं मिला, विचार नहीं मिला, विवेक नहीं जगा, फिर संसार अंधेरा है, फिर संसार में दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं। दुख में भी दुख और सुख में भी दुख, दुख में कम दुख, सुख में अधिक दुख, सुख में बड़ा दुख छिपा है यहां। अगर जीवन में गुरु ना हुआ तो, जीवन में विचार ना हुआ तो, उठ फरीदा सुत्या वे जा दुनिया वे खण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया जा तू भी बख्शिया जा। हमको मिला जिया मनहारा, हमको मिला हम नाम रे मरी है संसार। कहते हैं भगवान का भक्त माया के सिर पर पैर रखकर भगवान के धाम में जाता है, यही है माया के सिर पर पैर रखना। मैं तो कई बार कहता हूं जीवन मुक्ति का यही अर्थ है, जीवन भी हो और मुक्ति का सुख भी हो, जब आप भी हो और आपको अपनी स्वतंत्रता का सुख भी हो, जब आप देखें कि कुछ आपको बांधने वाला नहीं बचा, कोई आपको भटकाने वाला कुछ नहीं ऐसा बचा कि इसे छूकर आप बिखर जाएं। मन मस्त मगन ये तो आता ही होगा आपको, बस तेरा नाम दोहराए, सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की। मैं तो कई बार अकेला बैठा विचार करता हूं कि मेरे पास हमारे पास नानक नहीं होते, सूर नहीं होते, तुलसी नहीं होते, मीरा नहीं होती, कबीर नहीं होते, रैदास नहीं होते, तो फिर जल मरता संसार क्या होता, फिर यहां दुखी दुख होता। थोड़ा आप देखेंगे तो आप पाएंगे, इसीलिए मैं अनुभव करता हूं, जब जब गाता हूं मैं,
जब जब गुनगुनाता हूं मैं, तब तब लगता है कि इन संतों का एक एक रोम इस अस्तित्व में आज तक सुख बांट रहा है और बांटता रहेगा, क्योंकि वो सुख ऐसा है। खर्चे न खुटे बको, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो नाम रतन। इसलिए भरोसा रख दरबारे इलाही का बंदे, वहां देर भी नहीं होती और अंधेर भी नहीं होता। एक पग चलिए सत्संग तक पहुंच जाइए, बस किसी के सदविचार में प्रवेश कर लीजिए, बस एक एक करके एक एक करके वो पंखुड़ियां खिलने लगेंगी, खिल जाएगा मन का पुष्प। शाही दरबार लगा था, कुंभन दास की दृष्टि भरी पूरी, यल्लब्धवा अपमान तृप्तो भवती आत्मा रामो भवती। एक बार तो अकबर भी कुंभन दास जी की चेष्टा देखकर थोड़ा हैरान सा हुआ कि किसी का भी मन लुभा जाए उस वैभव को देखकर, और कुंभन दास ने दृष्टि भर के देखा भी नहीं कि चारों ओर है क्या। सैनिक लाए, जहां लाए वहां लाकर खड़ा कर दिया। तो अकबर ने कहा कि सुना है आप गाते बहुत अच्छा हैं। कुंभन दास अपनी गर्दन झुकाकर खड़े रहे, इसीलिए बस बुलाया आपको कि कुछ गाकर सुनाइए। अब कुंभन दास ने कहा भाई यहां तक आ गए हैं, इतना परिश्रम बादशाह ने हमसे कराया तो थोड़ा उलाहना तो देते ही चले। कुंभन दास ने गाना आरंभ किया। अब अकबर था संगीत का बड़ा रिजवार, माने उसे वो कद्रदान था, उसे वो जानता था कि स्वर का साधक कितनी साधना के बाद यहां तक पहुंचता है, बड़ा आदर करता था वो कलाकार का। तो कुंभन दास जी ने गाना आरंभ किया, कहा सीखरी काम भगत को, कहा सीखरी हे, कहा सीकरी काम भगत को, कहा सीकरे को आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम भगत को, कहा सीकरी का भगत को, कहा सीकरी को। अब किसी भगवतीय का स्वर था, वाणी में बड़ी करुणा थी, मन 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 व्याकुल हो रहा था अपने अपने प्रियतम के विरह में। एक क्षण वो श्रीनाथ जी के दर्शन के बिना नहीं रहते थे, बादशाह का आदेश हुआ आना पड़ा। कुंभन दास जी अपने मन में विचार करें, अरे कौन सा पाप जगा मेरा जो इस बादशाह के सन्मुख होना पड़ा। तो कुंभन दास जी की स्वर लहरी इतनी मधुर थी कि अकबर तो उसमें डूब गया, लेकिन बीरबल जो था वो कुंभन दास जी के शब्द सुन रहा था। कुंभन दास जी ने राग का विस्तार किया, जा को मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम, कहा सीकरी का। अब तो भाई बीरबल बड़ी चिंता में कि क्या गा रहे हैं कुंभन दास। अब बादशाह के दरबार में खड़े होकर गाना हो तो भाई बादशाह का ही गुण गाना चाहिए, ये तो अदब है। बोलिए इतना बेअदब आदमी है, इसे इतनी भी चिंता नहीं कि बादशाह का एक हुक्म इसकी जान ले लेगा, इसके प्राणों पर संकट आ पड़ेगा। और बड़े ऊंचे स्वर में कुंभन दास अकबर के दरबार में, अकबर के सामने, बादशाह के दरबार में, जिसके सामने बड़े बड़े राजा अपना सिर उठाने में भयभीत होते थे, उस हिंदू पति के दरबार में कुंभन दास वो दीनहीन फकीर
कुम्मन दास खड़े होकर अकबर के सामने कह रहे हैं, अरे जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम। कुम्भन दास लाल गिरीधर बिन गाया गाया हरि गुण गाया 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 हरि गुण गाया 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 हरि गुण गाया काल व्याल सोपाजी। आजकल तो मैं वैसे भी अपनी मस्ती में रहता हूँ, है ना, बोता कुछ आंदा नहीं, नचने आ गाने आ करने आ जो भी बस यार नू मनाने आ, ओ दे हसी साडा गरूर विच रहने आ, सजना दी में हर सरूर विच रहने आ, सजना दी में हर सरूर विच रहने आ। कुम्मन दास जी के पद का भी यही अर्थ है, यही कहा कुम्मन दास ने दरबार में जाकर कि भाई मुझे तुझसे लेना देना क्या था, भगत को कहा सीकरी काम, ओ दे हसी साडा ओ गरूर विच रहने आ, ओ दे हसी साडा ओ गरूर विच रहने आ, टूटी बिसर गयो हरिनाम, जाको मुख देखे दुख लागे ताको करनी परी प्रणाम। अकबर ने कहा कि अब तो इसके प्राण गए, क्योंकि अभी तो बादशाह वाह वाह कर रहा है, जब ये राग के स्वर थम जाएंगे तब पूछेगा कि इसने गाया क्या। कुम्भन दास लाल गिरधर बिन सब जग झूठो दाम, भगत को कहा सीकरी का, और यही हुआ। जैसे कुम्भन दास का वो गायन समाप्त तो हुआ, अकबर ने कहा कि बीरबल वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या गाया इस फकीर ने, पर गाया क्या। अब बीरबल चुप, अकबर ने कहा बताओ। अब बीरबल लगा बगले झांकने, अकबर को क्रोध आया, बोले आवाज बुलंद बताओ। तो बीरबल ने कहा कान में ही सुन लेते तो अच्छा था, ये हुकुम और कर दिया आवाज बुलंद बताओ, पूरे दरबार को बताओ कि इसने क्या गाया। अब गाया तो ये, भैया जाको मुख देखे दुख लागे ताको करनी परी प्रणाम, उसके दरबार में आकर उसको सलाम बजाना पड़ा, जाने कौन सा पाप उदय हुआ हमारा। भक्त की मनोदशा देखिए, कुम्भन दास जी की मनस्थिति देखिए, विचार करिए कि कहां है कुम्भन दास का मन। हिंदू पति बादशाह ने बड़े आदर और सम्मान से बुलाया है आपको, मान लो प्रधानमंत्री बड़े आदर से बुलाए कि हमारे यहां आइए भोजन करके जाइए, आप देखिए सारी अखबारों में अगले दिन आपका नाम छपा होगा, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, है ना। पर आप देखिए त्याज्य लगा कुम्भन दास को, शुद्र लगा वो सुख, और वो कुम्भन दास को वो सुख सुख लगा ही नहीं, अरे जाको मुख देखे दुख लागे।